इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें आ जाता है आपका माउस। स्कैनिंग डिवाइसेस। इसमें आप स्कैनिंग डिवाइसेस में स्कैनर्स लिख लीजिए। स्कैनर में आप तीन कैटेगरी लिख लीजिए। एक आपका शीट फेड और एक आपका हैंड हेल्ड और एक आपका फ्लैट बेड। ये तीन तरह के स्कैनर्स होते हैं, शीट फेड, हैंड हेल्ड और फ्लैट बेड। स्कैनर में और भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो आप उसको लिखिए यहाँ पर। सोर्स डेटा ऑटोमेशन। MICR, OMR, OCR और OBR। इनके फुल फॉर्म आपके ओ लेवल के और BCA के एग्जाम्स में आते हैं, फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल बार रीडर। ऑप्टिकल बार रीडर। तो अभी ये जो है हमारी कुछ इनपुट्स डिवाइसेस हैं, और भी कई तरीके होती हैं, लाइक जैसे इसको आपने लिख लिया होगा, वॉइस। अच्छा, इसी में इनपुट डिवाइस में ही लिख रहे हैं अभी हम, इसको हमने छोटा इसलिए कर दिया ताकि आप जो है इसको वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन है, वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन। वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन क्या है ये, आप में से इसको कोई यूज करता है? वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन बताइए। पॉइंटिंग डिवाइस में लाइट पेन भी होता है, यस। इसमें लिख लो, यहां पर पॉइंटिंग डिवाइस में माउस, और यहीं पे आप लिख लीजिए माउस भी होता है, लाइट पेन भी। इसको पॉइंटिंग डिवाइस में ही आता है ये, माउस और लाइट पेन। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अब आप इसको सोचिए कि आप वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन बहुत यूज करते हैं अपने मोबाइल में, है ना? जैसे हाँ, अतुल यादव गूगल असिस्टेंट, वेरी गुड। रितेश पांडे वॉइस सर्च में, राइट। तो जिस तरीके से आप वॉइस इनपुट का मतलब है आप इनपुट दे रहे हैं वॉइस से, यानी कि आप टाइप नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं, आप माइक यूज कर रहे हैं। जैसे आप गूगल ओपन करते हैं तो अगर उसमें एक माइक भी बना रहता है, तो माइक पे अगर आप बोलते हैं कुछ, जैसे आपने लिखा ओपन इंडिया मैप, तो वो लिख देगा ओपन इंडिया मैप और नीचे उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। यानी कि जो वॉइस इनपुट डिवाइस है ये क्या करती है, वॉइस इनपुट डिवाइस कन्वर्ट वॉइस सिग्नल इनटू कमांड, कमांड में कन्वर्ट कर देता है एंड कमांड में वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कन्वर्ट वॉइस सिग्नल इनटू कमांड, कमांड का मतलब हो गया आप कह लीजिए यहाँ पे कमांड और डेटा, डेटा के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आता है। तो प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस और रिजल्ट दिखाने के लिए हमारी आउटपुट डिवाइस, दैट इज डिस्प्ले डिवाइस। तो वॉइस इनपुट इनपुट डिवाइस का काम सिर्फ इनपुट देना है, प्रोसेस करना नहीं है, वो सिर्फ इनपुट देगा। तो वॉइस जो इनपुट रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसमें हमारी जो आवाज जाती है जो हम बोलते हैं माइक से, वो
जैसे गूगल असिस्टेंट है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका यही है गूगल असिस्टेंट। और भी बहुत सारे मोबाइल्स या डिवाइसेस अब ऐसी आने लगी जो वॉइस से कंट्रोल होती है, ठीक है ना? तो वहाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉइस कंट्रोलिंग डिवाइस, वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस, उसमें सब में वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता है, ठीक है ना? जैसे एक आपका एग्जाम्पल में आप एक तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं गूगल असिस्टेंट, एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल कोई बताइए। आपने इसका एड बहुत देखा है, बहुत एग्जाम वो क्या कहते हैं एड बहुत देते थे उसका, अतुल यादव, एलेक्सा, वेरी गुड। एग्जाम्पल में लिख लो एलेक्सा। एलेक्सा बेसिकली एक ऐसे डिवाइस है जिसमें स्पीकर भी है और माइक भी लगा हुआ है, लेकिन वो माइक करता क्या है, पूरी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है। तो वो डिवाइस आपके लिए, उसका नाम रखा है एलेक्सा, अमेजोन की ये होम ब्रांड है एलेक्सा। तो इस डिवाइस से, यानी कि इस डिवाइस से आपने कहा कि प्ले द सॉन्ग, तो वो सॉन्ग प्ले कर देगा, प्ले द न्यूज़ तो वो न्यूज़ प्ले कर देगा, हाई द वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम हाई कर देगा। यानी कि आपकी वॉइस किस फॉर्म में बदल जाती है अंदर जा करके, वो कमांड के फॉर्म में बदल जाती है। तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब है कि वो वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा रिस्पेक्टिव कमांड में, ठीक है? तो जैसे गूगल असिस्टेंट है और एलेक्सा, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है? दिस इज योर वॉइस इनपुट रिकग्निशन सिस्टम। जैसे आपका माइक होता है, सिंपल है, इसमें जो माइक भी यूज होते हैं, जो आपके मोबाइल के माइक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक वो आवाज को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइक, माइक माइक्रोफोन लिख लीजिए। तो ये कई जगह यूज होता है, आपके मोबाइल्स में भी यूज होता है और जनरल चीजों में भी यूज होता है। देखिए हम भी यूज कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये माइक्रोफोन है। तो वॉइस को इनपुट करने, तो कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड भी हमारी टाइपिंग डिवाइस है, कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या करते हैं, टाइप, टाइप के लिए यूज होता है। क्या चीज टाइप करते हैं, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर, और प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस बिग ब्रैकेट एंड अदर सिंबल्स, अदर सिंबल्स, ठीक है? तो इसको आपने लिख लिया हो तो हम इसको डिलीट कर दें। फिर MICR, OMR और OCR के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज होती हैं। हाँ, टोटल 256 कैरेक्टर यूज करते हैं, सबका हो गया, तो इसको हटा दे रहे हैं। देखो जो आपका MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कहाँ पर यूज होता है, यूज्ड इन बैंक्स, यूज्ड इन बैंक्स। इसका काम क्या होता है, टू यहां बल्कि वेरीफाई लिख देंगे,
टू वेरीफाई द चेक्स, चेक होता है ना, चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, ये असली है या नकली, बैंक ने दिया है या अपने से छाप के ले आया है, वो MICR इसको चेक करता है, ठीक है ना। तो जो आप कहते भी माइकर चेक, माइकर चेक, तो वो माइकर चेक नहीं होता, वो MICR लिखा होता है बेसिकली, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, ये रीड करता है, क्या चीज रीड करता है, रीड स्पेशल इंक, जो DD और डिमांड ड्राफ्ट और चेक होता है ना, इसमें बहुत स्पेशल किस्म की इंक होती है, स्पेशल इंक। और वो जो इंक होती है वो बेसिकली होती है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंक होती है, वो नॉर्मल इंक नहीं होती है कि चेल पार्क की इंक से बना लिया, वो मैग्नेटिक इंक होती है और स्पेशल टाइप की इंक होती है, उसी को ये MICR क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि MICR कैसा होता है। MICR को हम लोग, जरा एक मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। सेकेंड, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो, खैर ये तो पूरा लिस्ट है इनपुट डिवाइस का, इसमें देखिए लिखा हुआ है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, कार्ड रीडर्स भी आते हैं, ये भी एक डिवाइस होती है, पढ़ेंगे अभी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, हम आपको MICR दिखा रहे थे, तो MICR आप ये देखिए, ये है MICR, इसमें चेक लगा हुआ है, चेक में स्पेशल टाइप की इंक होती है, जो नंबर होते हैं नीचे चेक में, ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर देखिए लिखे भी बड़े स्पेशल टाइप की तरह से रहते हैं ना, नॉर्मली तरीके से नहीं लिखे रहते हैं, कुछ अलग ही इनका, 0 और 1 और 8 देखिए कुछ, और 6 अलग ही टाइप का होता है, और ये इंक भी अलग होती है, डिफरेंट टाइप का होता है, इसी को MICR कोड होता है ये। इसमें जो चेक में नीचे नंबर्स होते हैं, लास्ट वाला होता है वो ट्रांजेक्शन कोड कहलाता है, तो उसके पहले नंबर होता है वो अकाउंट ID विद RBI, और जो बीच वाला होता है वो MICR कोड होता है 9 डिजिट का, चेक का नंबर जो होता है वो 6 डिजिट का होता है, जनरली चेक नंबर ये, लेकिन इस ये जो पूरा नंबर होता है ये पूरी सीक्वेंस RBI के पास भी रहती है, और MICR जिस कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है उसमें ये सीक्वेंस नोटेड रहती है। तो अगर ये फर्जी चेक होगा, जैसे मान लीजिए यही वाला सीक्वेंस नंबर कंप्यूटर में स्टोर्ड है, लेकिन यहाँ 31 की जगह 32 लिखा हुआ है मान लेते हैं, और 32 कंप्यूटर में नहीं है, तो MICR से जैसे ही ये डेटा रीड करेगा फौरन बता देगा दिस चेक इज इनवैलिड, और अगर 31 है और तो बता देगा दिस चेक इज वैलिड। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिजाइन, इसके बहुत तरह के आते हैं MICR डिवाइसेस चेक करने के लिए, कई तरह के आते हैं, किसी में अंदर हो जाता है, किसी में साइड में स्वाइप करते हैं, ये बैंक की इंटरनल मशीन्स हैं, ये आपको जनरली बाहर नहीं दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ये आपका MICR कोड लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो हमने जस्ट एक चेक में आपको दिखा भी दिया कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप, ये तो हो गया आपका MICR,
अब हेडिंग डालियो, OBR या OMR कोई भी डालियो, OMR डालियो। OMR से तो आप लोग जो है परिचित होंगे, भली बात ही। एक आध बार हो सकता है आप लोगों ने इंट्रेंस वगैरह दिया हो, एग्जाम्स दिया हो, तो जो शीट है ये जनरली आपकी यूज होती है। फुल फॉर्म तो हम एक बार लिख चुके हैं, उसी में से देख लीजिएगा। OMR यूज टू चेक द OMR शीट, जो आप जिस पे एग्जाम देते हैं वो OMR शीट होती है, वो डिवाइस नहीं होती, वो जैसे शीट होती है। लेकिन उस OMR शीट को पढ़ने के लिए उसका डेटा, जो OMR शीट पे आप सिंबल लगा करके आए हैं, उसको कंप्यूटर में भेजने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो OMR डिवाइस होती है। तो OMR डिवाइस क्या करती है, OMR यहाँ लिखेंगे, OMR डिवाइस रीड OMR शीट, एंड कन्वर्ट द डेटा, जो भी उसमें डेटा होता है उसको कन्वर्ट करते थे डेटा में। फिर डेटा प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, प्रोसेस करेगा प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट पे आएगा आउटपुट डिवाइस में। तो OMR का काम क्या है, एग्जाम्स के लिए जनरली ये यूज होता है OMR शीट्स, और जनरली एंट्रेंस एग्जाम्स, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स, और क्या कहते हैं स्कॉलरशिप के एग्जाम, बहुत तरह के एग्जाम्स, वन डे एग्जाम्स में बहुत यूज होता है ये OMR शीट्स। हम फिल करके आते हैं, फिर उसके बाद वो चेक होता है OMR डिवाइस से। ठीक है, OMR डिवाइस, ये डिवाइस किस तरह की दिखती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। OMR डिवाइस ये आपको दिख रहा होगा, OMR डिवाइस बहुत तरह की, अलग अलग तरह की, सब में देखिए OMR शीट्स इंसर्टेड इंसर्ट की जा रही हैं, और ये डेटा इसमें से फिर ये क्या करेगा, ये रीड करके बस कंप्यूटर को दे देगा डेटा, फिर कंप्यूटर अपने स्टोर्ड डेटा से वो मैच करा करके रिजल्ट को बनाएगा। इसका काम रिजल्ट बनाना नहीं होता, इसका काम होता है बस OMR शीट को रीड कर लेना, उस पर जो आपने डॉट पेन से या काले रंग से या HB पेंसिल से आपने जो भी उस पर इम्प्रेशन दिए हैं उनको रीड करना है बस, और रीड करके कंप्यूटर में दे देना है। क्योंकि इनपुट प्रोसेसर को क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, इनपुट करने के लिए हम आपकी ये OMR डिवाइसेस यूज करते हैं। ये देखो बहुत तरह की OMR डिवाइसेस दिख रही है हमको, ठीक है, OMR डिवाइस। अब यहाँ पर हेडिंग डालो, OBR OBR ऑप्टिकल बार रीडर, ये भी आपने देखा होगा, बताइए कहाँ देखा होगा। यूज टू स्कैन रेट क्वांटिटी कंपनी नेम ETC फ्रॉम
स्टिकर विच इज पेस्टेड ऑन प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट पे एक ऐसा स्टिकर। देखें यहाँ पे कहीं हमारे पास कोई चीज रखी हो, कोई प्रोडक्ट रखा हो। नहीं, इसमें तो नहीं है, यहाँ हमारे पास कोई प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है। एक इसमें ये देखो, देखो ये यहाँ पर जो है स्टिकर एक लगा हुआ है, इसको हम क्लोज ला रहे हैं तुम लोग के, तो दिखेगा। दिख रहा है? ये देखो, दिखा है ना, ये लाइंस दिख रही ना, लाइंस ये जो है। और आप अपने अगल बगल कहीं कोई प्रोडक्ट इस तरह का पड़ा हो तो आप उसको उठा करके देखिए, तो उस पे लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। और वो जो लाइंस होती हैं उनको हम बार्स बोलते हैं, वो मैग्नेटिक बार्स होते हैं बेसिकली। रीड मैग्नेटिक बार, उसे बार कोड कहते हैं, कोड होता है बेसिकली एक वो। और वो कोड जो रीड करा जाता है तो कंप्यूटर में पहले से उस कोड के सामने उसकी पूरी डिटेल होती है, तो इसीलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो डेटा डिटेल ले करके, और स्क्रीन हमारा स्क्रीन पे सामने उसका प्राइस, उसका नेम, क्वांटिटी, उसका वेट। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, तो कोल्ड ड्रिंक का नाम आ जाएगा, कंपनी आ जाएगा, उसका कितना लीटर का है, उसका क्या प्राइस है, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। OBR, तो OBR जो है वो आप जनरली इसके लिए जो इस मशीन आती है उसे हम OBR स्कैनर कहते हैं, है ना। और वो हमारा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, हैंड हेल्ड। आप जनरली शॉप्स वगैरह में जाएंगे या मॉल में जाएंगे तो वो देखेंगे प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को कर करके सामने से ऐसे निकालते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है वो प्राइस को, रेट को क्या कहते हैं, बताता रहता है और रेट को पढ़ता रहता है। यानी कि वो पढ़ता क्या है, वो पढ़ता है कोड्स को, इनको, ये कोड्स को पढ़ता है। और ये जो कोड्स होते हैं इसको पढ़ा जाता है हैंड हेल्ड स्कैनर से। अभी हमने आपको एक स्कैनर बताया था, पीछे अगर आप पलटेंगे उसको तो उसमें लिखा हुआ देखिए, एक हैंड हेल्ड लिखा हुआ है ना। तो अब आप ये समझ जाइए कि जो स्कैनर होते हैं, जो उनके पास रखे होते हैं, जिन मशीन के सामने से वो प्रोडक्ट को गुजारते हैं, वो हैंड हेल्ड स्कैनर ही कहलाते हैं, ठीक है ना। हैंड हेल्ड स्कैनर, उसे हम OBR कहते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर। और ये किस तरह के होते हैं, आइए इनको एक बार जस्ट देखते हैं, हैव अ लुक। OBR, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये OBR है, देखिए ये बार कोड दिख रहा है आपको। ये कोड जो है ये स्पेशल कोड्स होते हैं कंप्यूटर में, ऑलरेडी ये पहले से फीडेड होते हैं, बस इनका स्टिकर निकाल के लगा दिया जाता है और इनको रीड करा जाता है इस डिवाइस से। ये OBR डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। ये स्कैन करती हैं, ये इसी डेटा को स्कैन कर लेते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ इस तरह का रहता है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इस तरह का भी रहता है, ऐसा भी स्कैनर रहता है, ठीक है। तो कई तरह के स्कैनर्स आते हैं, ये देखिए आप ये यहाँ पर भी देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज योर,
क्लियर ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी कंफ्यूजन? लाइट पेन, ये देखो ये लाइट पेन है। लाइट पेन जैसे ये लिख रहे हैं, ये मॉनिटर पे लिख रहे हैं बेसिकली, ये आपको आउटपुट दिख रहा है और हम लिख इस पे रहे हैं, अपने पैड पर लिख रहे हैं। ये देखो ये एक पैड है, इसको आप देखिए, ये देखिए ये पैड है, दिस इज पैड। हम इसी पैड पे लिखते हैं इसको, देखिए अभी आप इसको हम डिलीट कर रहे हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। आपने लिख लिया ना, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और आप इसको देखिए, फिर मीटिंग भी हो सकता है ख़त्म हो जाए अपने आप। इसको देखो, देखो ये है, अब ये हमारा लाइट पेन है, हम लिख इस पे रहे हैं, इस पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ये ऐसे देखिए ये दिख रहा है। अब हमने यहाँ पर लिखा, ये इसका पेन सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर अब हम देखिए ये लाइन हम बना रहे हैं, कुछ भी, ये देखिए यहाँ पर हमने हेलो लिखा, इस पे कुछ नहीं लिख रहा है। इस पे आपको दिख रहा है कहीं कुछ लिखा हुआ कुछ दिख रहा है? इस पे कुछ नहीं दिख रहा है, दिख आपको स्क्रीन पे रहा है। ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये भी इनपुट डिवाइस हो गई और ये भी इनपुट डिवाइस है इसका, जो ये पैड है राइटिंग पैड, तो ये दोनों ही नहीं, ये लाइट पेन हो गया हमारा, दिस इज माई लाइट पेन। लाइट पेन से ये रेजर सब सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, सेंसर्स से रीड करके यहाँ पर देखिए, और हमारे यहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है। इस पे कुछ नहीं लिख रहा है, देखिए आप ध्यान से, अगर आपको लग रहा होगा भाई इस पे लिख रहा है, तो देखिए ये ब्लैंक है एकदम, इस पे कुछ नहीं है, देखिए समझ ही में नहीं आएगा, लेकिन लिखेगा कहाँ पर? स्क्रीन पे, आउटपुट डिवाइस पे। तो दिस इज योर लाइट पेन, क्लियर ही है, समझ में आ गया ना? चलो फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कुछ जो डिवाइसेज रह गई हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलो दैट्स इट, थैंक यू।